दादी क्या बोल रहे? अरे तुम क्या पैदा ही बॉडम हुई थी क्या कि बाद में हुई हो? ये क्या बकवास कर रहे हो? तो बकवास तो ना मेरी जिंदगी हो गई जब से मेरी तुमसे शादी हो गई है। एक आदमी चाहता है कि उसकी एक अच्छी लड़की से शादी हो जिसकी एक बॉडी हो, एक अच्छी आत्मा घर में आ जाए। यहाँ दो दो आत्मा आ गई है घर में और दूसरी आत्मा की मुझे बिल्कुल जरूरत नहीं है। वो मेरे घर में रह के हो रही है, मुझे इससे बहुत प्रॉब्लम है। वो मर के भी नहीं मरी है वो औरत, वो क्यों है? मम्मी भाज ले, दादी आ गई। सॉरी दादी, सॉरी, मैंने जानबूझ के ना आपकी छेड़ की है ताकि आप आ जाओ। आपकी बहुत जरूरत थी दादी। क्यों, तुझे जिंदगी से प्यार नहीं रहा क्या? नहीं नहीं, वो क्या है ना दादी, कश्मीरा को ना एक कल्लू नाम के गुंडे ने छेड़ दिया है और अब फिर से उसको छेड़ने के लिए यहाँ घर पे आ रहा है। अब सोचिए ना, आपके रहते अगर कोई हमें बाहर से आके यहाँ पे छेड़ जाएगा तो फिर किस बात की भूत हो आप? है साजन, बारह दादी यही आ गया तू तो कह रहा था ये कश्मीरा को छेड़ने आ रहा है, ये तो तेरा नाम ले रहा है। तो कश्मीरा का नाम उसको पता नहीं है ना। अब ऐसे साजन की बीवी बाहर निकल बोलेगा तो बहुत लंबा हो जाएगा ना, इसलिए शॉर्टकट में साजन बोल रहा है ताकि सब बाहर आ जाए। बाहर बुला रहा हूँ, सुन नहीं रहा। औरत के सामने मार खाएगा क्या? भैंस की आँख, दादी की आँख कश्मीरा को छेड़ेगा। लव यू दादी। So, मिस्टर साजन, कैसे कट रही है? कैसे कट रही है सब पूछते हैं, कैसे काटता हूँ कोई पूछता नहीं। मिस्टर साजन, मैं आपकी जिंदगी के बारे में नहीं पूछ रही थी, मैं लॉकी के बारे में पूछ रही थी। मिसेस साजन, आई लव लॉकी। इनफैक्ट मैं लॉकी और ड्राई फ्रूट का कोफ्ता बनवाना चाहती हूँ मिसेस साजन, तो मैं चाहती हूँ कि आप इसे बारीक काटें। Yes, I'm sure. Oh! क्या हो गया? कट गई। मिसेस साजन, मिस्टर साजन। संजू, 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 क्या कर रहे थे ये? तुम? मैं ऑफिस जा रहा था। बाय। ऑफिस बाद में जाना, पहले मुझे ये बताओ कि ये अपनी उंगली भूकू के मुंह में क्यों डाल रखी थी तुमने? तो अपने भाई से भी फिर पूछो कि पूरा दिन ये जो मुझे ऑफिस में उंगली करता रहता है तो फिर उसका कुछ नहीं है क्या? तो मैंने ले लिया बदला। एरी कश्मीरा कह दे रहे इससे, उंगलीबाज तो ये है। देख जीजा, अब तक तो मैंने कुछ ना करा, अब थारी लाइफ में जो मैं उंगली करूंगा ना, देख लिए कर ले जो करना है। संजू, संजू देखा मम्मी, संजू मुझे कैसे अवॉइड करके गए, पीछे पलट के भी नहीं देखा मुझे। अवॉइड तो नवाब साहब किया करते थे। कहाँ पैदा हो गई यार मैं। दीदी हम आए। या कैसी हो? मैं बहुत अच्छी हूँ दीदी, आपने बुलाया हमें, कुछ काम है? हाँ, मैं सोच रही थी कि ऐसे ही थोड़ी गपशप कर ले, बातें कर ले थोड़ी। हाँ बैठो 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 बैठो। सो सेटल हो गई ऑफिस में? हाँ दीदी, हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है। चलो अच्छी बात है। दोस्त बने कोई? दोस्त हम कोशिश तो कर रहे हैं दोस्त बनाने की, लेकिन ना हमें अपने कॉलेज के दोस्तों की बड़ी याद आती है। तो मुझसे बात किया करो ना, मैं बनूंगी तुम्हारी दोस्त। हाँ लेकिन दीदी, हाँ हम ना आपकी बड़ी इज्जत करते हैं, तो आप हमारी दोस्त कब हमारी गुरु ज्यादा है। गुरु मैं दोस्त बनना चाहती थी। मेरे भी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, किससे शेयर करूं? अरे दीदी, हमसे करिए ना, आप अपने सारे प्रॉब्लम शेयर करिए। आप जानती हैं नजब घर में ना हर कोई हमसे ही अपना प्रॉब्लम शेयर करता था। Lovely chatting with you. बहुत मजा आया। Back to work. Thank you. Oh, good girl. Bye, Didi. May I come in, madam? Yes. Come in, Mr. Sajan. One straight-up question for you. Yes, please. क्या मैं दोस्ती के काबिल नहीं हूँ? कैसी बातें कर रही हैं मैडम आप? कौन बेवकूफ होगा जो आपसे दोस्ती नहीं करना चाहेगा? ना, not like that, Mr. Sajan. मैं नहीं जानती कि आपके लिए दोस्ती के मायने क्या है, लेकिन मेरे लिए एक अच्छा दोस्त एक स्पाउस की तरह है, मिस्टर साजन। और अगर दोस्ती फोर्सफुली हो तो रिश्ता दोस्ती कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। नहीं मैडम, आपका मतलब है कि मिस्टर साजन आप क्या कर रहे हैं? छोड़ दीजिए मेरे प्लांट्स को। मिस्टर साजन, लीव द प्लांट्स। क्या कर रहे थे आप? नहीं वो ये उसमें बहुत सूखी सूखी पत्तियां आ गई थी मैडम, और ये सूखी पत्तियां ऑफिस में रहनी नहीं चाहिए, इससे मैडम नेगेटिविटी आती है, बुरे ख्याल आते हैं, इसलिए मैं हटा रहा था। झूठ बोले कौवा काटे। हम दोस्ती की बात कर रहे थे मिस्टर साजन। हाँ तो मैडम आप हुक्म कीजिए ना, मुझसे अच्छा दोस्त आपको कहीं मिलेगा नहीं, मैं दोस्ती के लिए अपनी जान भी दे देता हूँ। अब तक कैसे जिंदा बचे हैं आप मिस्टर साजन? अच्छे दोस्त नहीं हैं आप, ऐसा कह सकते हैं। और वैसे भी मुझे एक फीमेल फ्रेंड चाहिए मिस्टर साजन। यू नो, एज अ वुमन मेरी जिंदगी में बहुत कुछ होता है जो मैं एक मेल फ्रेंड के साथ नहीं शेयर कर सकती। मुझे उसके लिए एक फीमेल फ्रेंड चाहिए। मैं समझ गया मैडम। ना आप कहेंगे कि मैं कश्मीरा से दोस्ती कर लूं? नहीं नहीं, मैं ऐसा कहूँगा ही नहीं, क्योंकि कश्मीरा आपके लेवल की है ही नहीं। साजन वो आपकी बीवी, आप उसके बारे में ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं? कुछ इज्जत से बात कीजिए उसके बारे में। नहीं नहीं, मैं ये वैसे ये कहना चाह रहा था कि आपको जो चाहिए ना मैडम वो कश्मीरा आपको नहीं दे पाएगी, वो मेरा मतलब था। आप ऑनलाइन फ्रेंडशिप साइट पे आ जाइए। आ जाइए का क्या होता है मतलब मिस्टर साजन? आप भी ऐसे किसी साइट्स पर हैं? नहीं मैं नहीं मैडम, मैं नहीं हूँ, लेकिन आजकल पूरी दुनिया है मैडम वहाँ पे। वहाँ पे मैडम लोग दोस्ती करते हैं, प्यार करते हैं और क्या क्या करते हैं मैडम, लेकिन आपको वहाँ पे मैडम ऐसी ऐसी मैच्योर खेली कूदी महिलाएं मिलेंगी ना मैडम जो आपको जिंदगी का असली अर्थ समझा देंगी बिल्कुल क्लैरिटी के साथ। मिस्टर साजन ये कौन सी साइट्स है जहाँ पर मुझे ऐसी खेली कूदी महिलाएं मिलेंगी? dostikarlebe.com। थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल सजेशन मिस्टर साजन, आप जा सकते हैं। शर्मा दोस्ती करले बे। अबे यार साजन, ये सही रह गया यार, ये ठीक है। माल की लग रही है यार कसम से। अच्छा नाम क्या रखे? रेड रोज। रेड रोज यार सुनने में अच्छा ही नहीं लग रहा, ऐसे कोई रेस्टोरेंट बार का नाम लग रहा है। रेड रोज बार एंड रेस्टोरेंट। अच्छा नाम सोचा ना, बढ़िया। ए भाई बसंती नाम कैसा रहेगा? लेमन चूस ले, इतना भी एकदम देसी नाम नहीं रखना है कि अगला वैसे ही पकड़ ले। एक काम करते हैं, पुष्पा रख लेते हैं। पुष्पा ठीक है, पुष्पा बढ़िया है। पैंतीस 28 40 भाई तो एक बार देख ले। हाँ सब सही है, अब मैं भेज देता हूँ मैडम को। चल चल चल, ये गई मैडम के पास फ्रेंड रिक्वेस्ट। सुनो, ओ फेक प्रोफाइल बना रहे हो, बताऊं दीदी को? हाय बेबी। संजू आ गए तुम? एक मिनट, क्या आ गए? क्या ये क्या चल रहा है? देखो ऐसा है ना, साफ साफ मुझे बोल दो कि मेरी शर्ट तुमको सूंघनी होती है, गले वाले लगने का बहाना मत बनाया करो, मैं खुद उतार के देता हूँ, सूंघना बैठ के रात भर। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है। नहीं नहीं जरूरत है, बहुत जरूरत है। तुमको बहुत डाउट हो रहा है ना कि किसी लड़की के परफ्यूम की खुशबू आ रही होगी इसमें से, तो मैं देता हूँ, पूरी रात बैठ के सूंघो तुम इसको। अरे मैं तो तुम्हारा मुंह सूंघ रही थी यार, कहीं पी के तो नहीं आए? अरे नहीं पी के आया हूँ, मैं काम कर रहा था, प्रोफाइल बना रहा था। किसके? कंपनी की प्रोफाइल बना रहा था। कौन सी कंपनी? जिसमें मैं काम करता हूँ यार, उसकी बना रहा था। किसका मैसेज है? किसका? खिलौनी का है। बताओ। चार पैरासीटामोल। इसको बुखार है? बुखार नहीं है, हमारा कोड वर्ड है, हम लोग पैग को पैरासीटामोल बोलते हैं। चार लिखिए, मतलब कल 4 पैग लगेंगे। क्यों 4? क्यों नहीं 8 पी लूंगा, तुम ही फिर बोलती हो ना कि कम पिया करो। नहीं तो 8 भी क्यों पीना और 4 भी क्यों पीना, 2 पियो ना। अरे कश्मीरा, मुझे भी नवाब साहब की बहुत याद आ रही है, मैं भी 2 पैरासीटामोल लेके सो जाऊं। पैरासीटामोल सोडे से लोगी कि पानी से? कश्मीरा बेबी, हाय नमस्ते। हेलो नमस्ते, हाउ आर यू? आई एम ऑल्सो गुड, थैंक्स फॉर एक्सेप्टिंग माई फ्रेंड रिक्वेस्ट। थैंक यू। क्या करती हैं आप? दोस्त बनाती हूँ। इंटरेस्टिंग। वेयर आर यू फ्रॉम? यूपी, आगरा से। ओह। क्या करती हो? वेल आई एम MD ऑफ यूज मी एडवर्टाइजिंग। पता नहीं क्यों तुमसे दिल का हर राज खोलने का मन करता है। खोल दो। What? मेरा मतलब है हर राज खोल सकती हो। मैं मोहब्बत करना चाहती हूँ। तुझे शादी करनी है? नो नो नो, मुझे तो एज अ वाइफ कोई नहीं झेल पाएगा। तो फिर तू एक काम कर, अपने ही ऑफिस के किसी शादीशुदा मर्द को पकड़ ले। What? अक्सर शादीशुदा मर्द अपनी बीवियों के जुल्म झेल रहे होते हैं, उन्हें भी तो प्यार चाहिए होता है ना। राइट। एक तो एक्सपीरियंस्ड और कोई रिस्क भी नहीं। हाँ, बस उसकी बीवी से सावधान रहना। यू आर राइट। आखिर ऐसा कौन हो सकता है हमारे ऑफिस में? नाची। अरे जाओ ना यार ऊपर, क्या जब कान नहीं यार आदमी नहीं आएगा, जाओ। मैडम आ जाए पहले, वो जरूरी काम है, वो पहले करेंगे। आखिर इस पूरे ऑफिस में मैडम से अफेयर करने वाला शादीशुदा मर्द मेरे अलावा है ही कौन? संजू, संजू, संजू। क्या कर रहे थे तुम? ये तने इतना शौक है ना, परमानेंटली अपनी उंगली फिट करवा ले मारे मुंह में, फिर बेर बेर अंदर करने की जरूरत न पड़ेगी। पागल समझ रहा है क्या मुझे? एक ही उंगली है मेरी, तेरे मुंह में परमानेंटली फिट करवा दूंगा तो फिर बाकियों को उंगली कैसे करूंगा मैं? बाय बेबी। काय का बाय? हाँ? पहले मुझे ये बताओ कि फूफू के मुंह में तुमने उंगली क्यों डाली? क्यों डाली? झूठ बोले कौवा काटे। हाँ? क्यों डाली? क्यों नहीं डालू? तो फिर रखा करो ना फिर बाथरूम में नेल कटर, सुबह जरूरत पड़ती है। ऐसे जंगलियों जैसे नाखून लेके जाऊंगा क्या मैं ऑफिस गंदे गंदे? मुझे मिल गया नेल कटर, मैंने इस नेल कटर से काट लिए, अब खत्म बात। अब बेटा शाम को तैयार है ना, फॉइलिंग करेंगे, फॉइलिंग। बाय। संजू, 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 बच के रही हो भूपेश, वरना ये दामाद फिर से तेरे मुंह में उंगली डाल देगा। देखा मम्मी? बाय जीजी। जाना यार। बाय। फिर चले गए। नो नो। हाय भाभी जी, हेलो आंटी जी। ला रही हो यार कपड़े। अरे क्या हुआ आज? भाभी बड़ी उदास लग रही है। इसके पति का ना कुछ चल रहा है। है? कुछ चल रहा है? क्या चल रहा है क्या चल रहा है भाभी? कुछ नहीं गुलबिया, रात भर फोन पे चैट कर रहे थे। इसका मतलब तेरे पति का कहीं चक्कर चल रहा है। अरे 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 भाभी भाभी रो नहीं, भाभी रो मत। अच्छा सुनो, मुझे लगता है कि आपको ना किसी भी नतीजे पे पहुंचने से पहले ना सबको फोन चेक कर लेना चाहिए कि आखिर चैटिंग कर किससे रहे हैं।